अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम एहतिशाम रियाज है। अभी मैंने YouTube पे एक वीडियो देखी, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर किया जाए। आप लोग पहले इस वीडियो को देखें फिर इस वीडियो पे बात करते हैं। सर ये भाई ये तो कहते हैं अंदर से कस्टमर के हैरान के कारोबार का रेट लगा चुके हैं। ये बहुत ज्यादा है, दो शॉट है, एक ले जाए एक छोड़। अच्छा इधर लेके जाने वो कितने खिदमत करोगे। हाँ लो काला दो, पासपोर्ट और टिकट निकालो। पासपोर्ट और टिकट ठीक है। उसको बोलना कि आपका क्या था, बोलना मुझे बॉडी एक्सरे के लिए लेके गए थे। ठीक है क्या बोलोगे। बॉडी कोई यूरो यूरो नहीं है, बॉडी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस बैग में। जी कुछ भी नहीं है। कितने लोग हैं। खाना भी देना था। चलो ठीक है, आगे से कुछ खा भी लेना। ठीक है शुक्रिया। कोई इतराज नहीं, नहीं अभी रुको, दो मिनट बाद जाना, पूरा नहीं जाओ। ठीक है। ये जो वीडियो अभी आप लोगों ने देखी ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे बनाई गई एक वीडियो है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप भी किसी पुलिस के महकमे या किसी ऐसे महकमे में हैं जिसमें आप लोगों को काम लोगों को चेक करना है, तो आप लोग कैसे पैसे बना सकते हैं। यार हद हो गई कि बंदा एक लाखों रुपए लगा के बाहर आता है मजदूरी करने के लिए, और उसके घर वाले उसको अगर कोई चीज़ साथ दे कर भेजते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, मिठाई लेके आओ, या हाँ मैं ये कहता हूँ कि अगर सिगरेट लेके आते हो या कोई ऐसी चीज़ लेके आते हो जिसका नुकसान है तो उस पर तो कोई मुश्किल नहीं, ठीक है वो आप लोग रोको, उस पर भी आप लोगों को हक कोई नहीं है कि पैसे आप लोग किसी से। लेकिन अगर वो बंदा अपने घर की हलाल की रोज़ी का कोई देसी घी या कोई मिठाई लेके आ रहा है या कोई खाने की चीज़ लेके आ रहा है, तो फिर ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अब वो बंदा पहले ही, अब वो देख सकते हैं 1000 रुपया मेरे ख्याल से उसने दिया है और 200 रुपये शायद उसके पास बाकी रह गए थे, वो भी उसने कहा कि मैं आगे कुछ खाऊंगा पीऊंगा, तो तब उसने वो छोड़ दिए। तो यार जो है ना बहुत अफसोस की बात है, बंदा मतलब ये चीज़ें देख के दुख होता है। अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह इनको भी हिदायत दे कि ये लोग ऐसा काम ना करें, क्योंकि इससे हमारे मुल्क का नाम भी बदनाम होता है। ये वीडियो आजकल वायरल जा रही है, सिर्फ हम लोग नहीं देखेंगे पूरी दुनिया ही देखेगी। इस वीडियो को बनाने का ये मकसद है ताकि ऐसे लोग जो भी ये करते हैं ये चीज़ें करते हैं, ताकि वो थोड़ी शर्म करें और कुछ सीखें कि अल्लाह ताला पकड़ता है बंदे को जब ना, तो फिर वो कहीं भी छुप जाए ना तो बच नहीं सकता। तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो है इससे आप लोग भी कुछ सीखेंगे और जो जो ये देख रहे हैं वो भी कुछ सीखेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।